कितनी तपस्या करने पर भी रावण की तपस्या को देखकर शिवजी ने उनकी तरफ देखा भी, रावण को बहुत गुस्सा आया, इस जीवन से तो अच्छा है मर जाना ही ठीक है। उन्होंने अपना एक एक सिर काटना आरंभ कर दिया, 10 सिर वाला रावण था तो उसने एक एक सिर काट कर शिवजी के चरण में अर्पित करते गए, फिर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। तो उसको लगा कि अब आखिरी एक बार कह दूं, या तो मैं जीता हूं नहीं तो कैलाश को हटा देता हूं। और उन्होंने अपने बल से कैलाश को हिलाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी, कैलाश हिलने लगा, वो अपने कैलाश को अपने साथ उठाना चाहता था। जब कैलाश हिलने लगा तो माता पार्वती ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, इतना सारा कैलाश हिल रहा है, इसका बात क्या है? तो शिवजी ने ध्यान से देखा तो रावण नाम का पुरुष का प्रकोप, वह तपस्या में है और अपने कैलाश को हिला रहा है। तब रावण ने रावण के ये कहने पर के रावण ऐसा क्यों कर रहा है, कैलाश हिलने लगे तो माता पार्वती आगे हिल रहे हम गिर जाएंगे कुछ देखो तो शिवजी ने जोर के साथ अपना पांव दबाया और रावण उसके नीचे दब गया। जब दब गया तो रावण ने कहा शिवजी मैं मरूंगा लेकिन एक बात याद रखो, मैं जीऊंगा तो श्रेष्ठ सामर्थ्यवान होकर लेकिन मैं यह काम नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उन्होंने जब कहा कि तू क्या चाहता है, मुझे पार्वती शंकरी देवी ने कहा है कि तुम्हारे तांडव करने से एक श्रेष्ठ दिव्य शक्ति उत्पन्न होगी और वो दिव्य शक्ति मुझे कभी भी मार्गदर्शन देगी, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। तब शिवजी के इस कहने पर शिवजी ने देखा कि यह तो छोड़ने वाला नहीं है और शिवजी ने तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। उस तांडव की ताल पर आपको अगर पता है तो शिवजी का तांडव स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र, और शिवजी के तांडव स्तोत्र में शिव जब रावण ने तांडव स्तोत्र का आरंभ किया आज भी वो तांडव स्तोत्र देवता भी उच्चारण करते हैं जिससे शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा गया रावण अपने जीवन में कैसा भी था लेकिन तांडव स्तोत्र के बोलने के बाद शिवजी जब नृत्य करने लगे तो माता पार्वती उनके साथ योग करने लगी, माता पार्वती भी उनके साथ नृत्य करने लगी तो एक एक उनके पास अपने जीवन में 16 कलाएं और 64 कलाएं।